ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। दिन रात की मेहनत, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और हाथों की कलम से लिखी जाने वाली कहानियां ही अक्सर कामयाबी की शोर मचाती है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, इट मीन सोशल साइंस फॉर क्लास फाइव। ये क्लास फाइव के लिए है। टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स, चैप्टर थर्ड, और इसमें पार्ट टू आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट टू जो है वो आपका डेजर्ट है। इससे पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू ये समझ गए होंगे, तो आज आपके लिए डेजर्ट और रिवर लेके आए हैं। दो चैप्टर, दो टॉपिक है जो आपको आज समझना है। तो डेजर्ट, डेजर्ट्स आर द वास्ट एरिया ऑफ सैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल टेम्परेचर। डेजर्ट जो होता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बालू मिलेगा, यानी सैंड मिलेगा, और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही, ये कह सकते हैं कि वहाँ का लिटिल टेम्परेचर, वेरी लिटिल टेम्परेचर। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको समझने वाली बात है, कि यहाँ पर रेनफॉल जो होती है, वर्षा जो होती है, वो बहुत कम मात्रा में होती है। आइए आगे समझते हैं। रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डेजर्ट आर एक्सट्रीमली ड्राई विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ की ज़मीन जो होती है सूख ही होती है, बंजर होती है, जिसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। सैंड बालू ही बालू नजर आएगा। सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन ए डेजर्ट। वहाँ पर सैंड जो मिलना बहुत ही कॉमन होता है, वहाँ पर खाली आपको यही सब चीज़ दिखाई देगा, मिलेगा। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सच स्टॉर्म। ओसेज आर स्मॉल वाटर पोल्स दैट स्प्रिंग अप एट सम प्लेस इन द डेजर्ट। आपको डेजर्ट में यहाँ आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता होगा कि आंधी तूफान ज़्यादातर आते हैं, और यहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है। यहाँ वाटर मतलब ज़्यादातर मिलता ही नहीं है। सम प्लेसेस इन द डेजर्ट, और कुछ जगह तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट मिलते हैं, बालू ही बालू मिलते हैं, वहाँ पानी की कोई मतलब कह सकते हैं बहुत ही अभाव रहता है। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द सहारा इन अफ्रीका। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। थर्ड डेजर्ट इन इंडिया, भारत में जो कहा जाता है कि थर्ड डेजर्ट जो राजस्थान में आपका है, वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, साउथर्न एशिया का। ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये याद रखेंगे। एंड द पेंटागोनिया इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो पेंटागोनिया है। कुछ डेजर्ट का नाम दिए हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब समझिए कि जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होगी, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ हॉट और यानी हॉट कहने का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ेगी, तो वो जगह क्या होगा कि अंदर से भी पानी को अच्छे से मतलब निचोड़ लेंगे, अंदर के जितना भी हो। बाद में क्या करेंगे कि वही जो ऊपर का मिट्टी है, धीरे धीरे वो बालू में तब्दील हो जाती है, यानी डेजर्ट बन जाती है, यानी सैंड ही सैंड नजर आता। आइए आपको इमेज दिखाते हैं कैसा, ये आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है ये डेजर्ट है, यहाँ पर सिर्फ वही पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब पौधे निकलते हैं कैक्टस वगैरह का, क्योंकि वो उनका रूट जो है बहुत अंदर जाके वो अपना वाटर लेवल को ढूंढकर उसमें अपना मतलब बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं, नहीं उगते हैं। यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं ऊँट या कैमल देख रहे हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि ये इसके जो पैर होते हैं बहुत ही गद्देदार होते हैं, जिस पर कि बालू पर पैर रखने के बाद लगता है जंप मारता है, तो यहाँ पर ये बहुत काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। और यही ज़्यादातर यहाँ पर आपको मिलेंगे, जब आप जाइएगा तो यहीं पर बहुत आदमी इसी पर सवारी करते हैं। डेजर्ट एरिया में यहाँ वाटर की बहुत कमी होती है, इसलिए लोग अपने साथ वाटर वगैरह लेके जाते हैं कहीं घूमने के लिए, या कहीं पर कोई सफ़र के लिए निकलते हैं। तो डेजर्ट हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डेजर्ट हैं, जैसे हम आपको तीन चार नाम दिखाए हैं, उसको आप याद कर लेंगे।
और सारे भी डेजर्ट हैं, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट है इसलिए उसको ध्यान में रखेंगे। आप डेजर्ट समझ गए हैं कि, और यहाँ का कहा जाता है कि जहाँ पर 200 से 250 के बीच, यानी आप कह सकते हैं या फिर उससे कम, जहाँ 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो एरिया डेजर्ट हो जाता है। चलिए, आपका जो टॉपिक है वो है रिवर। आज रिवर्स को हम समझते हैं। पहले आपको इसमें तीन टॉपिक दिया है रिवर्स का, एक यंग रिवर, एक मिडिल रिवर, पिक्चर देखते जाइए, एक ओल्ड रिवर, ओल्ड रिवर। अब हम आपको यहाँ पर आपका जो रिवर है, सबसे पहले देखिए, तीन फेज में इसको बांट दिया गया, द अपर और द यंग कोर्स, द मिडिल ऑफ द मेचर कोर्स, द लोअर ऑफ द ओल्ड कोर्स। यानी इस तरह का तीन तरह के आपको रिवर में बांट दिया गया है। समझते हैं पहले, रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स दैट कैरी रेन, मेल्टेड आइस एंड स्नो डाउन हिल फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन, लेक्स एंड सीज। आप रिवर जो देखते होंगे, ये एक तरह से नेचुरल है, नेचुरल चैनल्स के माध्यम से। यानी कहने का मतलब है कि ये जमा जो होते हैं, या तो वर्षा से होते हैं, या स्नो मेल्टेड आइस यानी बर्फ के पिघलने से जो बनते हैं, या फिर डाउन हिल्स फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ प्लेन, यानी माउंटेन के ऊपर से नीचे गिरते हैं, पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और प्लेन में तब्दील, यानी समतल भूमि पर ये जब निकलते हैं, तो या लेक और या सी से निकलते हैं, तो ये एक तरह से रिवर में तब्दील होता है। मोस्ट रिवर्स ऑरिजिनेट इन माउंटेन्स एंड अप दियर जर्नी इन ए सी और एन ओशियन। बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं माउंटेन से, एंड अप दियर जर्नी इन ए सी और एन ओशियन। और ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़े बड़े समुद्र से निकलते हैं और ओशियन से भी निकलते हैं। फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ इट्स माउथ ए रिवर पासेस थ्रू थ्री स्टेज। यानी इसका निकलने का जो तीन स्टेज बताया गया है, ये जहाँ से ओरिजिन होता है, ये इसका मुहाना जहाँ से निकलता है रिवर का, वो तीन स्टेज से बताया गया है कि एक अपर होगा यानी यंग रिवर होगा, एक मिडिल रिवर होगा और एक लोअर यानी ओल्ड रिवर होगा। इस पिक्चर को देख के समझिए, ये यंग रिवर है क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। देख लीजिए, ये पहाड़ से ऊपर से यानी माउंटेन वगैरह से, हिल से नीचे आ रहे हैं और ये ज़मीनी इलाका में आ रहे हैं। अब यहाँ से ये मिडिल रिवर में, ये सिर्फ मतलब यहाँ पर सिर्फ मतलब समतल भूमि पर यानी प्लेन्स एरिया में ये आपको मिल रहे हैं देखने के लिए। और यहाँ पर जो ओल्ड रिवर है, लास्ट में इसका जाके स्टेज ख़त्म हो जाता है, लास्ट में ये पानी कहीं पर जाके रुक जाता है और सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप तीनों हम आपको तीन इसका कोर्स दिखाए, तीन लेवल दिखा दिए हैं, आप देख लिए होंगे और आप समझ गए होंगे। यही दो टॉपिक था आज, क्लियर करना था बस, छोटा सा वीडियो था और इसमें दो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो दिया जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको कुछ क्वेश्चन आपको कल दिया गया था, कुछ क्वेश्चन आज पूरा दे दिया गया है, दो क्वेश्चन शायद कल दिया गया था और दो क्वेश्चन आज, यानी टोटल चार क्वेश्चन आपको ये बनाना है, ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आज आपका थर्ड चैप्टर कम्प्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में आपका फोर्थ चैप्टर भी कवर करवाया जाएगा। तब तक आप अच्छे से फेयर बनाइए, अच्छे से होमवर्क बनाइए, अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।